सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के बैक टू बैक कई लुक पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और बताना चाहेंगे भारत इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन खबरों की माने तो अब इस फिल्म में साउथ के बड़े सुपरस्टार रामचरण की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म भारत को एक साथ कई सारी भाषाओं में रिलीज किया जाना है और खबरों की माने तो इस फिल्म को हिंदी नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाना है और सलमान खान की फिल्म भारत में तमिल या तेलुगु में अपनी आवाज दे सकते हैं रामचरण। जी हाँ, खबरों की माने तो रामचरण फिल्म भारत में अपनी आवाज देते नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिल्म भारत सिर्फ बॉलीवुड के चाहने वाले ही नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के चाहने वाले भी पसंद करेंगे क्योंकि रामचरण की साउथ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है जिसका बड़ा फायदा फिल्म को होता देख सकता है। भारत फिल्म काफी मायनों में खास है क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा जबरदस्त साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे भारत फिल्म दक्षिण कोरियाई फिल्म ऑड टू माई फादर का हिंदी रीमेक है जिसे साल 2014 में दक्षिण कोरिया में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया और इसी कड़ी में वो इस फिल्म के हिंदी रीमेक तो लेकर आ रहे हैं सलमान खान जिस फिल्म का निर्देशन किया है अली अब्बास जफर। फिल्म की कास्ट भी काफी ज्यादा जबरदस्त है और बताना चाहेंगे सलमान खान के अपोजिट इस फिल्म में कटरीना कैफ, दिशा पाड़नी, आसिफ शेख तब्बू और जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर वरुण धवन इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। काफी खूबसूरत और काफी बेहतरीन ये फिल्म भारत साबित होने वाली है जिसे इसी साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। साल 2018 की ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में सलमान खान भारत फिल्म के जरिए ईद पर जबरदस्त वापसी करने वाले हैं और सलमान खान की यह जबरदस्त वापसी काफी बेसब्री से इंतजार उनके फैंस भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस दिशा पाड़नी की बात करें तो उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी से किया था और बताना चाहेंगे इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी हिट मानी जाती है और बागी 2 में उनकी धमाकेदार जोड़ी लोगों के सामने पेश हुई थी। टाइगर और दिशा की जोड़ी लोगों को हमेशा से पसंद रही है। इन दोनों के अफेयर के किस्से इन दोनों बॉलीवुड के गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन बताना चाहेंगे कि दिशा पाड़नी हमेशा से ही अपना ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वो कई बार बोल्ड तस्वीरें भी शेयर कर चुकी हैं जिसके चलते कई बार वो ट्रोल भी हो चुकी हैं। लेकिन अभी हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिशा पाड़नी ने अपनी बहन खुशबू पाड़नी की तस्वीर शेयर की है जिस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्हें गर्व है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दिशा पाड़नी की बहन खुशबू पाड़नी भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं और दिशा कई बार अपने इंटरव्यूज में अपनी बहन खुशबू से प्रेरणा लेने की बात स्वीकार कर चुकी हैं। खूबसूरती की बात करें तो दिशा पाड़नी काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है उनकी बहन खुशबू पाड़नी जिन तस्वीरों को आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इन वायरल तस्वीरों में आप खुशबू पाटनी के तस्वीरों को देख सकते हैं जिन तस्वीरों में दिशा पाटनी के साथ अपने भाई के साथ भी नजर आ रही हैं। बताना चाहेंगे बहन के लाइमलाइट में होने के बावजूद भी खुशबू ने अपनी लाइफ को बेहद पर्सनल रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर दिशा पाटनी के वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा के करियर को एक लंबी उड़ान मिल चुकी है कि सलमान खान के साथ उनकी फिल्म भारत आने वाली है जिस फिल्म में वो सलमान के अपोजिट नजर आएंगी। खबरों की माने तो इस फिल्म में दिशा पाटनी का किरदार सर्कस में काम करने वाली एक लड़की का हो सकता है। हालांकि सेट से जितनी भी वायरल तस्वीरें हुई हैं दिशा पाटनी का यही लुक देखने को मिला है। उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि सलमान की फिल्म भारत में उनका यही किरदार होने वाला है। फिलहाल सलमान खान की फिल्म भारत करने के बाद दिशा पाड़नी को कई और बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है और खबरों की माने तो शायद सलमान खान की फिल्म किक 2 में दिशा पाड़नी नजर आ सकती है लेकिन अभी भी इस बात की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है। सलमान के फैंस कैटरीना की जोड़ी उनके साथ देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और सलमान और कैटरीना की जोड़ी ने मिलकर बॉलीवुड को तमाम ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं जिन ब्लॉकबस्टर फिल्मों का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे साल 2019 के ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म भारत में भी हमें यह बेहतरीन जोड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2020 के ईद के मौके पर सलमान और कैटरीना एक दूसरे के सामने होंगे। यहां भी हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सूर्यवंशी में कैटरीना कैफ को फाइनल कर लिया गया है और सूर्यवंशी फिल्म को साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है जिस फिल्म में अक्षय के अपोजिट कैटरीना कैफ नजर आने वाली है। अक्षय और कैटरीना ने कई एक साथ फिल्में की हैं जिन फिल्मों को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सलमान खान संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह करने वाले हैं जिस फिल्म को साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है और सलमान खान ने इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि हम संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह ईद पर 2020 को लेकर आएंगे और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा
होगा कि सलमान को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं कैटरीना कैफ। कि साल 2020 के ईद के मौके पर सलमान और कैटरीना अपने अपनी फिल्में लेकर आएंगे और एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। वैसे देखा जाए इंशाल्लाह फिल्म काफी मायनों में खास होगी, क्योंकि इस फिल्म में सलमान के अपोजिट पहली बार आलिया भट्ट नजर आएंगी। फिलहाल फिल्म की कहानी का पूरा अंदाजा नहीं लगा पाया है, लेकिन खबरों की माने तो इस फिल्म में सलमान खान एक 40 साल की उम्र के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं पर आलिया भट्ट इस फिल्म में 20 साल की एक अभिनेत्री का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर सूर्यवंशी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में वीर एटीएस ऑफिसर का किरदार अक्षय कुमार निभाते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा। और इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर कैटरीना कैफ को फाइनल कर लिया गया है। और जब ये दोनों फिल्में साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज होंगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों फिल्मों के बीच हमें बिग क्लैश देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस खबर पर आपको क्या कहना है? साथ ही सलमान को कैटरीना कड़ी टक्कर देने वाली साल 2020 के ईद के मौके पर इस खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर में आप एक बच्चे को तेंदुए का एक शावक पकड़े हुए देख सकते हैं। तेंदुए के शावक को गोद में उठाकर यह बच्चा मुस्कुरा रहा है और ये फोटो देखकर इस बच्चे की निडरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हम इस बच्चे की क्यों बात कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये बच्चा इंटेंस लुक और एक्शन सीन के लिए बॉलीवुड में मशहूर अभिनेता अजय देवगन है, जिनकी बचपन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दोनों काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उनकी बचपन की इस तस्वीर से उनके सिंगम का सबूत भी मिल रहा है। इन दिनों अजय देवगन के बचपन की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल की जा रही है, जिसे अजय के फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बताना चाहेंगे अजय देवगन इस वायरल तस्वीर में तेंदुए के एक शावक को पकड़े हुए हैं। शावक को गोद में उठाकर अजय देवगन मुस्कुरा भी रहे हैं। ये फोटो देखकर उनकी निडरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बचपन से ही कितने ज्यादा निडर थे। पर हम अगर अजय देवगन की लोकप्रियता की बात करें तो लोग उन्हें खासतौर पर उनके एक्शन सीन के लिए जानते हैं। साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था और इस फिल्म के जरिए उन्होंने स्टंट एक टाइम पर युवाओं के लिए प्रेरणा दी थी। बचपन से ही अजय को आग से खेलने का शौक था, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था। तस्वीर में देखे तो तेंदुए के शावक को पकड़ने के बावजूद अजय के चेहरे पर मुस्कान है, वो बिना डरे शावक को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे फिल्मों में अजय देवगन एक्शन सीन के दौरान बॉडी डबल के बजाय खुद ही एक्शन सीन करना पसंद करते हैं, यही वजह है कि उनका नाम इंडस्ट्री के एक्शन हीरोज में शुमार है। वहीं दूसरी ओर उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म टोटल धमाल रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया और उनकी आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे भी रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही वो तानाजी दी अनसंग वॉरियर को भी लिखकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। आलिया भट्ट जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत की बात करें तो इन दोनों इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बताना चाहेंगे भारत फिल्म से जुड़ा सलमान खान के बैक टू बैक 5 लुक पोस्टर हमने देखे और इसी कड़ी में भारत फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। बताना चाहेंगे इस मोशन पोस्टर में इस बात की जानकारी दी गई है कि फिल्म की कहानी में सलमान खान 1964 से लेकर साल 2010 तक रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान उनके 5 अलग अलग लुक की झलक भी देखने को मिल रही है। मोशन पोस्टर की बात करें तो ये काफी मायनों में खास लग रहा है, इसे सलमान के फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और देखते देखते इस मोशन पोस्टर की दीवानगी सलमान खान के फैंस के बीच देखने को मिल रही है। बताना चाहेंगे मोशन पोस्टर रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। पहले ये पता था कि इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन होगी कि इस फिल्म को 5 जून 2019 को रिलीज किया जाना है, जिसकी जानकारी मोशन पोस्टर के अंत में दी गई है। बताना चाहेंगे फिल्म भारत काफी मायनों में खास होगी, क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान 5 अलग अलग लुक में नजर आने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म में सलमान के अपोजिट कैटरीना कैफ, दिशा पाडवी, सुनील ग्रोवर, आशीष शेख, जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर नोरा फतेही इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग पर थिरकती हुई नजर आने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है ये फिल्म जब ईद पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय होगी। तो दोस्तों आप भी जाकर देखिए भारत फिल्म से जुड़ा ऑफिशियल मोशन पोस्टर और हमें अपनी राय दी कि आपको ये मोशन पोस्टर कैसा लगा। साथ ही आप फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।
सोशल मीडिया पर सलमान के फैंस ने जमकर लताड़ा बॉबी देओल को। जी हां, ऐसा क्या हो गया कि सलमान के फैंस के गुस्से के शिकार होना पड़े बॉबी देओल को। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान ने साल 2018 में आई फिल्म रेस 3 में बॉबी देओल को एक बड़ा कमबैक दिया था। बताना चाहेंगे, बॉबी देओल एक लंबे समय से बॉलीवुड की फिल्मों से गायब थे। उनकी फिल्में जो आ रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही थी। ऐसे में सलमान खान उनके लिए गॉडफादर बनकर आए। उनके फिटनेस से लेकर फिल्मों के चुनाव तक उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और यही बड़ा कारण था कि फिल्म रेस 3 के बाद उन्हें साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 4 मिली। लेकिन पिछले कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि सलमान खान की फिल्म किक 2 में बॉबी देओल नजर आ सकते हैं या फिर दबंग 3 में बॉबी देओल सलमान खान के करीबी दोस्त का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। खैर, ये तो हुई सलमान खान की फिल्मों के साथ जुड़ने की बात। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे नाराज होकर सलमान खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर बॉबी देओल को लताड़ा है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि हाल ही में बॉबी देओल ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ एक वेब सीरीज साइन की है, जिसके चलते सलमान खान के फैंस काफी ज्यादा गुस्से हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है। बताना चाहेंगे, सलमान खान हमेशा से ही देओल परिवार के काफी ज्यादा करीब रहे हैं और देओल परिवार के लोगों की हमेशा से ही मदद करते आए हैं। ऐसे में बॉबी देओल के करियर को कोई नहीं पूछ रहा था, तो ऐसे में सलमान खान गॉडफादर बनकर आए, उनके करियर को एक लंबी उड़ान दी। लेकिन जब उनके करियर में थोड़ी बहुत फिल्में आने लगी तब उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली और वो शाहरुख खान के साथ हाथ मिला लिए। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस उनको जमकर लताड़ रहे हैं और उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं। कई लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर जब बॉबी देओल को काम नहीं मिल रहा था तब सलमान खान ने उनकी मदद की और जब उन्हें गिनी चुनी फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है तब उन्होंने पार्टी चेंज कर सलमान खान का साथ छोड़ शाहरुख खान के साथ हाथ मिला लिया है और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बॉबी देओल के खिलाफ गुस्सा भी फूटता नजर आ सकता है। वैसे देखा जाए, सलमान खान एक बहुत ही बड़े दरियादिल इंसान है और हमेशा से जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करते रहते हैं, चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ। हमेशा से सलमान खान मदद के लिए आगे आते रहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो नए नए चेहरों को लॉन्च करते रहते हैं और जिन छोटे कलाकारों को बॉलीवुड की फिल्मों में काम नहीं मिलता उनके लिए वो काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसी कड़ी में जब बॉबी देओल को काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपनी फिल्म रेस 3 में उन्हें एक बड़ा कमबैक दिया और रेस 3 के बाद उन्हें बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आने शुरू हो गए।